आज हम बनाएंगे घर के कुशन के लिए बहुत ही सुंदर कवर जो बहुत आसानी से बनता है और सुंदर भी लगता है। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है जो एक साइड से खुला है और एक साइड से फोल्ड है। अब हम यहाँ पर कुशन लेंगे जिसके लिए हमें कवर बनाना है। इस साइड से इसकी ये सिलाई है, तो एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक हमें इसे नापना है। यहाँ पर ये दूसरी सिलाई है तो वहां तक इसकी चौड़ाई आई है 16 इंच। अब 16 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक? तो ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा पकड़ा तो हो गया 18 इंच, मतलब 18 इंच। तो कपड़े की चौड़ाई मैंने रखी है 18 इंच, और ध्यान दीजिएगा ये कपड़ा दोनों साइड से खुला है। अब इस कुशन की हम लंबाई नापेंगे। लंबाई के लिए भी सेम करना है, मतलब देखिए यहाँ पर जो सेंटर सिलाई होती है वहां से पकड़ना है और दूसरी साइड की सेंटर सिलाई तक नापना है। जैसा कि मेरा यहाँ पर आ गया है 16 इंच, तो ये 16 बाई 16 इंच का कुशन है। ज्यादातर यही स्टैंडर्ड नाप रहता है। अब देखिए 16 इंच में हम यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो हो गया 19.5 इंच, मतलब 99.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 19.5 इंच कपड़ा लिया है। तो लंबाई 16 इंच आई थी, उसमें 3.5 इंच मिलाकर 19.5 इंच कपड़ा रखा है, और चौड़ाई में भी ये 16 इंच आया था लेकिन उसमें सिर्फ 2 इंच मिलाया है और 18 इंच इसकी चौड़ाई रखी। अब इस साइड से ये फोल्ड है और आगे की तरफ से खुला है, मतलब ये पूरा अखंड पीस है। अब देखिए इसे मैं यहाँ पर खोल कर लूंगी और इस साइड से मैं इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, और सेम में दूसरी साइड की ओर भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने वाली हूँ इस तरीके से। तो आते हैं मशीन के ऊपर। तो पहले मैंने एक दाब का फोल्ड किया, फिर मैंने एक दाब का फोल्ड किया, मतलब लगभग आधा इंच या उससे थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा आपका फोल्ड में चला जाएगा। सेम तरीके से दूसरी ओर भी हमें फोल्ड करके लेना है। तो यहां पर भी आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा आपका फोल्ड में जाएगा। दोनों साइड से हमने कपड़े को फोल्ड करके ले लिया है। अब देखो दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर रखकर अच्छे से मिला देंगे, और यहां हमें नॉच लगाना है, तो ये हमारा सेंटर नॉच कहलाएगा क्योंकि एकदम बीचों बीच हमने नॉच लगाया है। तो दोनों ओर हमारे सेंटर नॉच हो गए। अब मैं इसे खोल कर लूंगी। खोलने के बाद जहां पर सेंटर नॉच लगाए थे वहां पर मैंने मार्किंग कर दिया है। अब आगे से कपड़े को फोल्ड करते हुए उसी सेंटर नॉच के ऊपर मिला देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद हमारी जो लंबाई आई थी वो आई थी 16 इंच, ठीक? तो बराबर से 16 इंच के ऊपर मैंने टेप को पकड़ा है और यहां पर हम 16 इंच पर ही ऊपर से मार्क करेंगे। यहां पर लूजिंग डालने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहते ही हो तो 1/4 इंच लूजिंग डाल सकते हैं। अब सेम मार्किंग मैंने इस और भी किया है 16 इंच पर। अब देखो इन दोनों पॉइंट के ऊपर ही हमें कपड़ा फोल्ड करना है एकदम बराबर से। तो ये मैंने बराबर से 16 16 इंच पर कपड़े को फोल्ड किया है। तो ये कपड़ा हमारा सेट हो चुका है। अब देखो ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ रहेगा। अब हम इसको पिंस से सेट कर देंगे। तो पिंस लगा कर लेंगे ताकि जो हमने कपड़ा सेट किया है वो निकले नहीं। अब इसके दोनों ओर हम सिलाई लगाएंगे, यहां से और इस ओर से भी। तो ये जो सिलाई है यहां पर हमने 1/4 1/4 इंच सिलाई मार्जिन पकड़ा है दोनों साइड में। तो दोनों साइड से मैं सिलाई लगा के लूंगी। तो यहां पर 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा भी आप सिलाई में लेते हो तो भी चलेगा, मतलब आधा इंच से कम और 1/4 इंच से ज्यादा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिलाई लगाकर ही दिखाया है, आप चाहो तो इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकते हो। तो दोनों साइड में सिलाई लग चुकी है। अब ये इसकी सीधी साइड है, तो अब हम इसको उल्टी साइड में लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको गुम सिलाई लगाना बता रही हूँ।
मतलब कि पहले सीधी साइड में सिलाई लगानी है, उसके बाद में उल्टी साइड में सिलाई लगाएंगे। अब देखो, उल्टी साइड में लेने के बाद सबसे पहले हमें कोने को अच्छे से बाहर निकाल देना है। चारों कॉर्नर्स हमें बाहर निकालने, कोई भी नुकीली चीज आप कॉर्नर में डाल के इसको निकाल सकते हो। अब हम इसके उल्टी साइड से मतलब इस साइड से सिलाई लगाएंगे दोनों ओर से। तो यहां पर आप लगभग आधा आधा सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा सकते हो दोनों ओर से। ठीक, तो दोनों ओर से मैं आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब हम यहां से शुरू करेंगे। तो पहले हमने सीधी साइड से सिलाई लगाई, अब हम उल्टी साइड में सिलाई लगाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, तो उल्टी साइड में भी इसका जो सिलाई लगाया हुआ हिस्सा है वो अंडर काउंट हो जाएगा और धागे नहीं निकलेंगे। तो बस बहुत सिंपल तरीके से ये कुशन कवर हमारा रेडी हो जाता है। दोनों साइड से सिलाई लगने के बाद अब हम इसको सीधी साइड में लेंगे। और जैसे ही हम इसको सीधी साइड में लेते हैं, आप चाहो तो एक बार आयन करके जरूर लीजिएगा, इससे यह बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, सीधी साइड में ले लिया है मैंने और ये एनवलप कुशन कवर हमारा रेडी है। अब हम यहाँ से हमारे कुशन को अंदर डालेंगे। तो आप भी इसे घर पर जरूर बनाइएगा। कोई आपको डाउट्स है तो मुझे जरूर पूछना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।